अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, अब पनीरी का टाइम आ चुका है। जनूबी पंजाब के वो लोग जो प्याज की काश करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पनीरियां काश करना शुरू करते हैं, क्योंकि पनीरी उगने का टाइम सही आ चुका है। इन दिनों के अंदर पनीरी 100% कामयाब होती है। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, रात को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डाउन हो चुका है और दिन के अंदर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो अब आज से मैं भी तैयारियां शुरू कर रहा हूं और कल इंशाल्लाह काश शुरू हो जाएगी। ये है जी गोबर की डेरियाँ, वैसे लगी पड़ी हैं, अभी इसे छानना भी बाकी है। तो ये जो ट्राली भर के लाए थे हम, वो पड़ा है गोबर। अब जी काम होगा ज़ोरों शोर से शुरू, क्योंकि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है, काम के काबिल भी हो चुका है। अब हमें इंशाल्लाह पसीना भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा और काम करने में भी दिल लगा रहेगा, और दूसरा जो फसलें काश करेंगे इंशाल्लाह वो भी ठीक तरीके से कामयाब होगी। तो अब यानी कि काम सर पे चढ़ चुका है, तो इंशाल्लाह रूटीन में जो भी काम करूंगा उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। पार्टीशन हो चुकी है, कुछ काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आहिस्ता 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 लेके चल रहे हैं गाड़ी को, लेकिन अब से स्पीड पकड़ना शुरू करेंगे ताकि यहाँ पे सीड जल्दी से जल्दी काश हो सके और पनीरी हम जल्दी से जल्दी उगा के अगले खेतों में शिफ्ट कर सकें। तो दोस्तों इंशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा आएगा और रोज़ाना की वीडियो भी आएगी। कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन काम इतने ज़्यादा जब आते हैं तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ कि ना वीडियो को एडिट करने का टाइम मिलता है और ना ही अपलोड करने का टाइम मिलता है। लेकिन कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहूँ और अपनी रूटीन लाइफ आपसे शेयर करता रहूँ एग्रीकल्चर के हवाले से। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक लाजमी करते रहिएगा। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ साग, वो साग जो हमने काश किया था और पानी लगा दिया था, ऊपर डिवाल्ड गोल्ड की स्प्रे की थी, वो जर्मिनेशन हुआ है या नहीं। मैंने कल इसे दूसरा पानी भी लगा दिया, मुझे तो लगता है जर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। आपको भी एक विज़िट करवाता हूँ अपने साग का। इस साल हमारा बहुत सा टाइम फारग गुजरा, क्योंकि फसलों ने कोई ख़ास साथ नहीं दिया। गर्मियों के अंदर तो सारी फसलें रुक गई थी फल देना, जिसकी वजह से ना तो उस पर स्प्रे करने का दिल कर रहा था, ना खाद डालने का, और चिनाई तो बिल्कुल हो नहीं रही थी, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती थी और फूल वगैरह झड़ जाते थे, जिसकी वजह से हमारा टाइम ज़्यादातर फारग गुजरा है। अब जी आ चुका है काम का टाइम, अल्लाह खैर करे कि मौसम सही रहे, मौसम साथ दे हमारा और सब्जियां सही तरह परवान चढ़ें। ये जी माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से साग की जर्मिनेशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये छट्टे वाला साग है और खेलियां निकाल के हमने पानी लगा दिया था, ये दूसरा पानी लगा हुआ है माशाल्लाह। ये है जी सरसों का साग और जर्मिनेशन देखें, अभी हो भी रही है और काफ़ी ज़्यादा हो भी चुकी है। यहाँ से आपको जर्मिनेशन ठीक नज़र नहीं आएगी, जब मैं नज़दीक लाता हूँ कैमरा तो आपको जर्मिनेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। ये देखिए, बाकी पानी मैंने पूरे पे लगा दिया था और अभी तक इसमें खाद नहीं डाली। इस एकड़ में पहले बैंगन काश्त किए हुए थे, तो शुरू में वैसे फास्फोरस खाद देनी चाहिए, बैंगन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्फोरस मैंने यूज़ की थी, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट साग में भी मिला, तो मैंने फास्फोरस खाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। अब अगले पानी पे इंशाल्लाह यूरिया खाद इस पर डालूंगा ताकि सही तरह से बढ़ोतरी कर सके, अगर हो सका तो एक दो टाणक भी लगा दूंगा। ये 25 से 30 दिन की फसल होती है, इस पर ज़्यादा खर्चा दरकार नहीं होता, मामूली सा खर्चा होता है और शॉर्ट टाइम की फसल होती है, इस वजह से ज़्यादा खर्चा मैंने नहीं किया। और फास्फोरस ऑलरेडी बैंगन की फसल में बहुत ज़्यादा डाली गई थी, जिसका फ़ायदा अब इंशाल्लाह साग को ज़रूर होगा, बैंगन को तो हुआ नहीं। तो बाकी बढ़ोतरी अब चल पड़ेगी, जर्मिनेशन तो हो चुकी है और जिस तरह ही ये साग तैयार होगा इसे काट के हम इंशाल्लाह यहाँ पे प्याज को शिफ्ट कर देंगे इस एकड़ के अंदर, क्योंकि इसकी एक ही कटाई होती है, इसकी दूसरी कटाई नहीं होती। एक ही कटाई करने के बाद पूरा एकड़ फर्क हो जाएगा और फिर हलचल लगा के और ज़मीन को तैयार करके फिर लगा देंगे प्याज इसके अंदर। तो ये छानना बाकी है, इस
के ज़रिए मैं डाल रहा हूँ छानने के अंदर। और ये जो वो है जो कि डेलियाँ निकली पड़ी हैं छानना लगा के, दोस्तों ये है कलर जो कि हमने छान लिया है काफ़ी सारा, ये देखें माशाल्लाह। और ये हमने हवा के ज़रिए पल्ली साइड पे जा रहा था उधर वाली साइड पे, तो चारपाई खड़ी की है और साथ में लगा दिया पल्ली ताकि हमारा जो ये गोबर का सफूफ है पाउडर्स है ये ज़ाया ना हो, हवा चल रही है। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सारा हमारे हाथ लग गया। और बाकी ये अभी छानने वाला पड़ा है, और ये वो पड़ा है जो कि ढेलियाँ निकलती हैं छानने में से, मतलब ये बेकार है हमारे लिए, पनीरी के काम ये नहीं आएगा। ये अब ढेर काफ़ी बड़ा लग चुका है, अब मैंने कहा कि ये थैले हैं जो भर लिए जाएँ ताकि इसे महफूज कर लिया जाए। अब भरते हैं जी थैले, अब भरते हैं जी थैला, इसके अंदर महफूज कर लेते हैं गोबर को। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम बेड के ऊपर पनीरी काश करेंगे तो बैग वहाँ पे ले जाया करेंगे, और जो बीज होगा उसको अच्छी तरह ढक देंगे गोबर के साथ। तो अब महफूज करके रख लेते हैं ताकि बारिश में अंधेरी में इसको महफूज करके एक जगह पे रखा जा सके और ये उड़ने ना पाए या गीला ना हो जाए, क्योंकि रात को शबनम पड़ती है इस वजह से ये गीला भी हो सकता है, तो हमें प्रॉब्लम आएगी जब बीज के ऊपर केरा करेंगे अगर ये गीला हो गया। ये भी कुछ थैले हमने भर लिए हैं और कुछ ढेर अभी बाकी है, वो थोड़ी देर तक भर लेंगे। और ये माशाल्लाह सबके अंदर गोबर पड़ा है और कुछ देर ये बाकी है, ये थोड़ी देर में भर के इसे भी महफूज कर लेंगे। दोस्तों किसी हद तक हमने गोबर को छान लिया है और बारीक सा जो पाउडर है वो लैदा कर लिया और ढेलियाँ लैदा कर ली हैं, और काफ़ी सारा अभी बाकी बचा भी है। तो पनीरी काश्त करने के लिए गोबर एक लाजमी जज्बा है, जिससे के बगैर हमारा तो गुजारा नहीं है काश्त करने के लिए। तो इस वजह से हम पहले ये कर रहे हैं ताकि सारा साजो सामान पनीरी उगाने से पहले इकट्ठा कर लिया जाए और बाद में पनीरी काश्त करने में मदद दे सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिन्हास को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।